हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्स एसोसिएशन द्वारा जिला सोलन में आयोजित दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का नौणी विश्वविद्यालय के मैदान में समापन हो गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिला के महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने अपने खेलों के दमखम दिखाए। प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इस प्रतियोगिता में केवल 30 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ी ही भाग ले रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक 80 वर्ष की आयु वाले खिलाड़ी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। दो दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में 9 विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले महिला व पुरुष खिलाड़ियों को अगले माह देहरादून में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर गेम प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल व फुटबॉल जैसी खेलों में इन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हिमाचल मास्टर गेम्स के प्रेसिडेंट विनोद कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिला के पुरुष व महिला खिलाड़ी अपने खेलों का दम दिखा रहे थे। वहीं प्रतियोगिता के दौरान अपने खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी होने वाले राष्ट्रीय मास्टर गेम्स प्रतियोगिता के लिए चयन भी किया गया। दो दिन से राज्य स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता 30 वर्ष की आयु के ऊपर वाले सभी खिलाड़ियों के लिए नौणी विश्वविद्यालय के कैंपस में और चिन्मया विद्यालय के कैंपस में यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें 9 खेलों में हिमाचल प्रदेश के लगभग 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अपने काम में सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए, अपनी गवर्नमेंट जॉब को निभाते हुए, अपनी किसानी को, अपने बिजनेस को निभाते हुए ये सब लोग खेल के साथ जुड़े हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक नया उदाहरण पेश हुआ है कि 9 खेलों में यहाँ पे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर किस्म के खिलाड़ी यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के चयन के लिए भी यहाँ पर सिलेक्शन इनकी हुई है और इन्होंने अपना लोहा मनवाया। मैं जो ये खेलें यहाँ पे संपन्न हुई हैं, इनमें डॉक्टर डीडी बिष्ट जी सब सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी यहाँ पे रहे हैं 80 प्लस में, मिस्टर नत्था सिंह, इसी प्रकार महिला वर्ग में सरिता हांडा और बहुत से खिलाड़ी यहाँ पे जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जिनका चयन हुआ है। 75 प्लस तक के पार्टिसिपेंट्स जो थे और टेबल टेनिस में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और सभी का चयन यहाँ पर देहरादून के लिए हुआ। भारत की ओर से मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी बबीता ठाकुर ने बताया कि वे पिछले साल ही मास्टर गेम से जुड़ी हैं और वे यूथ से आह्वान करती हैं कि वे मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहें और खेलों में अधिक से अधिक भाग लें, इससे हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है। मेरा नाम बबीता ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरी गेम बास्केटबॉल है। और पिछली बार मैं लास्ट ईयर मेन गेमों से जुड़ी हूँ और मैंने जो है इंडिया रिप्रेजेंट किया मलेशिया में और वहाँ पे हमारा गोल्ड रहा। और ये हमारे बिलासपुर के राजकुमार जी हमारे कोच हैं, वहाँ से इनका भी काफ़ी सहयोग रहा और ये भी काफ़ी सहयोग दे रहे हैं बढ़ चढ़ कर, जो कि बच्चों को जो भी है यूथ हमारे हर एज के, मतलब इसमें जैसे 30 से अप, 30 प्लस, 35, 40, 45 प्लस सारे जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और मेरा आजकल के यूथ से यही मैसेज है कि जो भी आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादातर फ़ोन से चिपके रहते हैं, मतलब उनको ये मैसेज है कि फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करके खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि इसमें जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है।